नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं आपके साथ रेनू चौहान। और वक्त हो चुका है इस वक्त की ताजा तरीन बड़ी खबरों का। शुक्रवार को अभिनंदन की हुई वतन वापसी, बिना शर्त पाकिस्तान ने भारत के आगे टेके घुटने। अभिनंदन की सही सलामत वतन वापसी पर पूरे देश में खुशी का माहौल, साथ ही ट्विटर पर जानी मानी हस्तियों का ट्वीटों की बौछार। विंग कमांडर अभिनंदन के भारत लौटते ही पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, गोलाबारी में 3 नागरिकों की हुई मौत। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय ने अभिनंदन की वतन वापसी पर दी बधाई और कहा कि भारत के सख्त रुख और हमारी सेना की बहादुरी से पाकिस्तान डरा हुआ है, इसलिए बिना शर्त अभिनंदन को रिहा किया। अभिनंदन वर्धमान के भारत लौटते ही स्मृति ईरानी ने कहा, पीएम मोदी के पराक्रम से 48 घंटों में हुई पायलट की वापसी। अभिनंदन के सकुशल वतन वापसी पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी थी पायलट अभिनंदन को नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी। पाक संसद में प्रस्ताव, अभिनंदन की रिहाई के बदले इमरान को मिलना चाहिए शांति का नोबेल। भारतीय वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की मूछ पर पूरा सोशल मीडिया हुआ फिदा, फेसबुक और ट्विटर पर लोगों ने खुलकर की अभिनंदन की मूछ की तारीफ और कह रहे हैं, मूछे हो तो अभिनंदन जैसी वरना हो ही ना। विंग कमांडर अभिनंदन को टीम इंडिया का सलाम, जारी की उनके नाम की टी शर्ट। अभिनंदन वर्धमान की रिहाई पर जानी मानी लेखिका शोभा डे ने किया ट्वीट और कहा कि हमारे हीरो को वापस भेजने पर पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल आप बने रहें उनका 24/7 के साथ। धन्यवाद।